खबर झुंझुनू के चिड़ावा से, जहां किराना की दुकान चलाने वाले व्यापारी को बदमाशों ने धमकी देकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इसके बाद व्यापारी ने थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उसके मोबाइल पर कॉल आया। बदमाश ने खुद को हरियाणा की मुखा गुर्जर गैंग के गैंगस्टर बताते हुए जान सलामती की धमकी देते हुए 30 लाख रुपए मांग लिए। इसके बाद व्यापारी ने कॉल काट कर फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद बदमाश ने व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भेजे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह चिड़ावा पहुंचे और व्यापारी से घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं थानाधिकारी इंद्रप्रकाश यादव ने बताया कि मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई जा रही है। आपको बता दें, रंगदारी के जो ये किस्से हैं बहुत आम हो गए, इसके चलते पुलिस सचेत है, धरपकड़ अभियान भी चल रहा है। ये एक मामला है जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस व्यापारी से मिले, गैंगस्टर के नाम के बारे में जानकारी ली और ये बताया गया कि जिसके नाम से धमकी आई है वो 5 साल पहले मारा जा चुका है। आपको बता दें कि व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली। हरियाणा गैंग ने मांगी 30 लाख रुपए की रंगदारी। इसके बाद में पुलिस महकमा जो है हरकत में आया और व्यापारी से पूरे किस्से की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रात को मेरे पास से कोई फोन आया था, तो मैं नींद में था, जो मैंने उसका फोन अच्छी तरह से नहीं सुना और मैंने फोन स्विच ऑफ करके सो गया। सुबह जब मैं उठा, उठ करके जब मैंने मेरे फोन को ऑन किया तो मेरे व्हाट्सएप पे एक नंबर से व्हाट्सएप आया हुआ था जिसमें